राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम वैशाखी। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ये संगीत। और उतना ही सुंदर है इस लय पर लोगों का भांगड़ा नृत्य। लेकिन ऐसा क्या है जो लोग इस तरह खुशी में झूम रहे हैं? भाई आज वैशाखी है, वैशाखी। शक संवत वर्ष के वैशाख महीने का पहला दिन। लेकिन शक संवत में वैशाख के अलावा और महीने भी तो होते हैं। हाँ, होते हैं। जिस तरह वर्ष के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के 12 महीनों के नामों से हम परिचित हैं, उसी तरह शक संवत के भी 12 महीने होते हैं। इन महीनों के नाम भी तो जाने। शक संवत महीनों के नाम हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ और फाल्गुन। क्या वैशाख महीने के पहले दिन का कोई धार्मिक महत्व भी है? हाँ, कुछ लोग इसका धार्मिक महत्व मानते हुए वैशाखी के दिन नदी में स्नान करना शुभ मानते हैं। इसीलिए वैशाखी के दिन नदियों के घाटों पर स्नान करने वालों का मेला सा लग जाता है। नया संवत मुबारक हो भाई। आपको भी नया संवत शुभ हो। आज तो यहाँ नहाने के लिए घाट पर तिल रखने की जगह नहीं है भैया। आखिर इतने भीड़ क्यों ना हो, नया संवत जो शुरू हो रहा है भैया। किसान लोग वैशाखी काफी धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा, सो क्यों? क्योंकि वैशाखी फसलों और किसानों से संबंधित है। वैशाखी फसलों और किसानों से संबंधित है? कुछ समझ में नहीं आया। अरे भाई, ये तो सभी जानते हैं कि खेतों में फसल पैदा करने के लिए किसान अपना खून पसीना एक करते हैं। हाँ, सो तो है। पहले वे खेतों से खरपतवार साफ कर हल चलाते हैं, बीज डालते हैं, पानी डालते हैं। अच्छी फसल पैदा करने के लिए किसान खाद भी तो डालते हैं। फसल पैदा करने के लिए सिर्फ किसान ही मेहनत नहीं करता तो फिर? प्रकृति के सहयोग के बिना तो फसल पैदा ही नहीं हो सकती। वो कैसे? अरे भाई, जब तक खेतों को धूप नहीं मिलेगी, भरपूर पानी नहीं मिलेगा, तो पौधे फलेंगे फूलेंगे कैसे? किसान बीज डालता है, खाद डालता है, हल चलाता है और प्रकृति उसके खेतों में हवा, पानी और धूप देती है। और तब कहीं बीजों में से नन्ही नन्ही कोंपले निकलती हैं। बीजों से निकली हुई नन्ही नन्ही कोंपले बहुत ही सुंदर लगती हैं। ठीक कहा तुमने। जब नन्ही सी कोंपले सुंदर लगती हैं, तो खेतों में लहलहाती फसल कितनी सुंदर लगती होगी। खेतों में लहलहाती फसलों की सुंदरता का तो कहना ही क्या है, लेकिन किसान तो अपनी फसल को लहलहाता देख फूला नहीं समाता। मगर किसानों को अपनी मेहनत से तभी राहत मिलती है जब अप्रैल के महीने में रबी की फसल काटी जाती है। ये तो किसानों के लिए बहुत खुशी का अवसर होता है। इस अवसर पर किसान बहुत खुश होते हैं।
इसी खुशी को वो पूरे उत्साह के साथ वैशाखी के पर्व के रूप में मनाकर प्रकट करते हैं। क्या देश भर में वैशाखी के अवसर पर ये खुशियां मनाई जाती हैं? यूं तो देश भर के किसान अपने फसल कटने की खुशी किसी ना किसी रूप में मनाते हैं, मगर देश के उत्तरी भाग में, विशेष तौर पर पंजाब में, इसे पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। और प्राचीन काल से ये परंपरा भी तो चली आ रही है कि फसल काटने के बाद खाने पीने, खेल कूद और नाच गानों का आयोजन होता है। वैशाखी के ऐसे खुशनुमा वातावरण में स्त्री पुरुष और बच्चे सभी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं। गांव गांव में कुश्ती और खेल कूद के प्रदर्शन भी होते हैं। वैशाखी के अवसर पर किसानों का उत्साह और खुशी बिल्कुल उचित है। वैशाखी के अवसर पर लगता है प्रकृति भी किसान के साथ मिलकर खुशी मनाती है। वो कैसे? भाई, वैशाखी के समय बसंत ऋतु की सुंदरता चारों ओर पूरी तरह से बिखरी होती है। वैशाखी के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य का क्या कहना। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। तभी तो कहते हैं वैशाखी का महीना अपने देश की धरती का प्राकृतिक श्रृंगार करने वाला महीना है। इसके अलावा वैशाखी किसी एक धर्म या समुदाय का त्योहार नहीं, बल्कि किसी ना किसी रूप में पूरे देशवासियों के लिए उत्साह, समृद्धि और भाईचारे का पर्व है। इसी खुशी के वातावरण में वैशाखी के दिन भांगड़ा नृत्य सबका मन मोह लेता है। वैशाखी। अभी आप सुन रहे थे प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम। आलेख भगवान दास वधवा, कलाकार राम मैनी, मंजू मैनी, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, ध्वन्यांकन अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग वंदना निगम, निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा।